नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल। दोस्तों, अगर मैं आपको लेके चलूं यहां पे वाउचर के अंदर में, तो अभी आप सेल्स वाउचर में हैं। यहां पे आप देख सकते हैं पार्टी लेजर अकाउंट डालने का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं यहां पे एक पार्टी लेजर सेलेक्ट कर लेता हूं, एबीसी लेजर करके, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे एबीसी लेजर के जस्ट नीचे करंट बैलेंस आ रहा है उसका 172,751 और लास्ट रिसीप्ट या पेमेंट अमाउंट जो भी है, तो इन्होंने लास्ट पेमेंट कब किया था, 80,000 रुपये का, 1 दिसंबर को किया। तो ये आपका दिख रहा है सेल्स वाउचर के अंदर, यानी कि आपका करंट बैलेंस जो दिख रहा है उसके जस्ट नीचे इन्होंने लास्ट पेमेंट कब किया हुआ था वो भी दिख रहा है। जब भी आप इनवाइसिंग करने जाएंगे तो आपको यहाँ पे लास्ट पेमेंट दिखते रहेगा कि पार्टी ट्रांजेक्शन कैसा कर रहा है, उसका ये आउटस्टैंडिंग जो भी है, आप उसके लिए उसको बोल भी सकते हैं सामने से, सर आपका इतना आउटस्टैंडिंग है, आप इसको क्लियर कर, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे मैं कोई सा भी आइटम डाल देता हूँ, ठीक है। मैं इस वाउचर को अब मैं सेव करता हूँ, इसको एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे क्यूआर कोड नहीं जनरेट करना, मैं इसको नो कर देता हूँ। अभी जैसे ही मैंने उसको एक्सेप्ट किया, यहाँ पे ऑटोमेटिक अपना रिसिप्ट वाउचर ओपन होके आ गया। जो भी आपने इनवॉइस काटा हुआ है उसका अब रिसिप्ट भी आप इस समय डाल सकते, ठीक है। उसमें 1 दिसंबर को 80,000 रुपये रिसिप्ट में दिखा रहा था। अब मैं इसको और किसी डेट में डालता हूँ एंट्री, मैं इसको डाल देता हूँ 31 मार्च। एक और रिसिप्ट में दिखाता हूँ एबीसी लेजर, तो यहाँ मैं कैश रिसीव कर लेता हूँ 20,000, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा सेल्स वाउचर में, अब वो पार्टी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं इसको कंट्रोल ए करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं लास्ट रिसिप्ट पेमेंट कब का है, अपना 20,000 रुपये 31 मार्च का, तो ऑटोमेटिक ये अपडेट होके आ गया यहाँ। तो दोस्तों, इसका कोड बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही छोटा कोड है, आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस तरीके का TDL आपको कैसे बनाना है, कैसे आपको वाउचर कस्टमाइज करना है, यहाँ पे खुद का लास्ट रिसीव आप कैसे ऐड कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अपने को टैली प्राइम डेवलपर ओपन कर लेना है। अगर आपके पास टैली प्राइम डेवलपर नहीं है तो आप कोड को नॉर्मल टेक्स्ट फाइल में भी क्रिएट करके रख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, मैंने ये टैली डेवलपर ओपन कर लिया है। मैं यहाँ पे अपने डेस्कटॉप में ही एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी ऐड कर लेता हूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पे भी कोड लिख सकते हैं, या तो आप चाहें तो टैली डेवलपर में लिखेंगे तो भी यहाँ पे सेव होते जाएगा। मैं इसका नाम दे दे रहा हूँ लास्ट पेमेंट कर, तो मैंने इस तरीके से नाम दे दिया। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे, तो यहाँ पे टैली प्राइम डेवलपर में जो भी आप लिखेंगे आपका यहाँ पे सेव होते जाएगा। यही लास्ट पेमेंट जो टेक्स्ट फाइल है, इसी को अपने को टैली में लोड करना रहेगा, यही आपका TDL फाइल। तो यहाँ पे टैली प्राइम डेवलपर में उस फाइल को ओपन करते हैं। यहाँ पे मैं फाइल में चले जाता हूँ, इधर ओपन फाइल कर लेता हूँ और उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ लास्ट, और ओपन करूंगा। अभी आपको पूरा ब्लैंक दिख रहा है, जब अपन इसमें कोड लिखेंगे तो आपका वहां भी सेव होते जाएगा। तो अब चलते हैं टैली के अंदर में, मैं यहाँ पे वाउचर में जाता हूँ। अभी ये अपना नॉर्मल वाउचर है, नॉर्मल सेल्स वाउचर, जैसा सभी का सेल्स वाउचर आता है। इसमें अभी मैं एबीसी लेजर अगर सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे सिर्फ ये करंट बैलेंस आ रहा है 154,104 कर, बाकी अपना रिसिप्ट वाला अभी नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कोड लिखेंगे। तो ये जितने भी अपने वाउचर होते हैं दोस्तों, ये सारे सारे अपने नॉर्मल वाउचर के जैसे ही बिहेव करते हैं, तो अपन नॉर्मल वाउचर में ही उसको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे है टैली प्राइम डेवलपर के अंदर, आपको यहाँ पे करना है Ctrl J। Ctrl J करके अपन यहाँ पे एक फॉर्म ढूंढेंगे, यहाँ डिफिनेशन टाइप में अपने को फॉर्म सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे डिफिनीशन नेम अपने को देना है VCH बेसिक, ठीक है। मैंने VCH बेसिक लिखा, VCH बेसिक मतलब आपका नॉर्मल जो भी वाउचर होता है, ठीक है। अब इसमें आपका फॉर्म करके है, VCH बेसिक फॉर्म हैश के साथ में लिखा हुआ है, बहुत सारे ये फॉर्म के नाम है अलग। तो अपने को इनवॉइस वाला सिलेक्ट करना है यहाँ पे, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं VCH बेसिक इनवाइस मोड करके लिखा हुआ है। तो अपना जो सेल्स इनवाइस, अपन उस इनवाइस मोड में जाके उसको कर रहे हैं, ठीक है। इसमें अपन गो करेंगे, गो करने से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज अपना ओपन होके आ गया। आप इसको कॉपी कर लीजिए, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके रख, ठीक। अब इधर, अब यहाँ पे फॉर्म के पहले अपने को हैश लगा देना है, क्योंकि हम लोग टैली की चीजों को यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, टैली की चीजों को मॉडिफाइड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हैश लगाएंगे। अब इसमें लिखा हुआ है एड पार्ट करके, आफ्टर ये सारे टाइटल वगैरह सब कुछ लिखे हुए हैं। तो अब आप में अगर ध्यान से पढ़े, सबसे पहले VCH टाइटल, उसके बाद फिर पार्टी इन्फो है, करंट बैलेंस इन्फो है। तो अपने को करंट बैलेंस के अगर पास में ऐड करना है, तो अपन ये करंट बैलेंस इन्फो इसको अपन इसके बाद में ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये नीचे वाला तो हटा देते हैं, इसका कोई यूज नहीं है। तो अब यहाँ पे आ गया एड पार्ट आफ्टर, आफ्टर में अब कर EI करंट बैलेंस इन्फो, ठीक है, बाकी को हटा देते हैं। तो हम लोग अपना खुद का पार्ट ऐड कर रहे हैं, ये जो करंट बैलेंस है जो दिखता है यहाँ पे वाउचर में, करंट बैलेंस के बाद में। तो यहाँ पे कॉलन का चिन्ह लगाएंगे और खुद का अपना कुछ भी एक नाम दे देना है। तो मैंने इस तरीके से एक नाम दे दिया, लर्न वेल लास्ट पेमेंट करके। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जरूरी नहीं यही नाम देना है, लेकिन स्पेलिंग आप जो भी वहां डालेंगे वो स्पेलिंग आपको यहाँ भी यूज करना है। अब आप देखेंगे कि आपने यहाँ पे पार्ट ऐड किया हुआ है, तो अपने को डिफिनीशन भी बनाना है। पार्ट का डिफिनीशन बनाने के लिए यहाँ पे ब्रैकेट लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे पार्ट, कॉलन का चिन्ह लगाएंगे और इसको पेस्ट कर देना है। जो भी आपने नाम इधर डाला हुआ है वही सेम नाम आपका
यहाँ भी आएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इस पार्ट के अंदर लाइन आएगा, लाइन के अंदर फील्ड आएगा, इस तरीके से TDL कोडिंग जो है वो चलती है। तो TDL के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए आप पुरानी वीडियो जरूर देखिए, इसमें एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको TDL कोर्स करके, वो सभी वीडियोज आप देख लेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, पार्ट के अंदर जैसा कि अपने को पता है लाइन आता है, तो अपन यहाँ पे लाइन लिखेंगे, लाइन का भी नाम देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे LW लास्ट पेमेंट लाइन इस तरीके से कर देता हूँ, और यही नाम आपको सेम कॉपी करके इसका भी डिफिनेशन बना लेना है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे लाइन, यहाँ पे सेम नाम वही पेस्ट करना है, जो नाम आपका यहाँ रहता है वही नाम यहाँ भी रहना चाहिए। अगर आपका नाम चेंज रहेगा तो आपका टैली में एरर दिखाएगा TDL लोड करते डिस्क्रिप्शन नॉट फाउंड कर। ठीक है दोस्तों, अब पार्ट के अंदर लाइन ऐड हो गया, लाइन का भी डिफिनेशन बन गया, लाइन के अंदर आ जाता है अपना फील्ड। तो अपन यहाँ पे फील्ड लिखेंगे इस तरीके से, फील्ड में यहाँ पे लिखेंगे सिंपल प्रॉम्प्ट। ठीक है, ये मैं सिंपल प्रॉम्प्ट क्यों लिख रहा हूँ आपको अगर समझना है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। मैं जैसे इस पे नाम लेके जा रहा हूँ, जैसे पार्टी अकाउंट नेम लेके जा रहा हूँ, तो इस पे सिंपल प्रॉम्प्ट लिखा हुआ। ठीक है, इसके भी ऊपर भी सिंपल प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, यानी कि जो भी नाम अपने आ रहे हैं सब सिंपल प्रॉम्प्ट। इसी तरीके से आपके अलग अलग प्रॉम्प्ट हो सकते हैं, जैसे सिंपल प्रॉम्प्ट हो गया, मीडियम प्रॉम्प्ट हो गया, इस टाइप से आ जाते हैं। ठीक है, अब देखना है, अगर आपको देखना है कि प्रॉम्प्ट कौन कौन से होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, तो बस आपको ये सिंपल प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर आप कंट्रोल के साथ में क्लिक करें तो ये सभी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। जैसे यहाँ सिंपल प्रॉम्प्ट लिखा है, शॉर्ट प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, मीडियम प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, इंडेंट प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, तो सभी का जो यूज है अपनी अपनी जगह सब सही रहता है, आप इसमें से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ सिर्फ सिंपल प्रॉम्प्ट ही लिखना है। ठीक है, अब एक तो अपना सिंपल प्रॉम्प्ट हो गया जिसमें हम लोग नाम ऐड करने वाले हैं, यानी कि जैसे आपका करंट बैलेंस पार्टी अकाउंट। ठीक है, इसके थ्रू अपन नाम ऐड कर देंगे वैसे ही। इसके बाद फिर यहाँ कॉमा लगाते हैं और अपने को लास्ट पेमेंट अमाउंट लेना है, तो यहाँ पे मैं LWMT कर देता हूँ, कॉमा लगा के LW डेट कर देता हूँ, तो आपका अमाउंट आएगा और अमाउंट का डेट भी आ जाएगा। तो सिंपल प्रॉम्प्ट में अपन हेडिंग ले लेंगे, अमाउंट में अमाउंट ले लेंगे, डेट में डेट ले लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे करंट बैलेंस पार्टी अकाउंट नेम ये सब नेम है, तो इस ये सब अपने को भी सेम अपना वाला भी ऐड करना है अगर, तो यहाँ पे करेंगे दोस्तों ऐड। अब यहाँ पे करेंगे लोकल फील्ड सिंपल प्रॉम्प्ट। ठीक है, आपको कॉलन का चिन्ह लगाते जाना है और सेट एज कर देंगे। अब यहाँ पे डबल इंटेड कॉमा के अंदर में जो भी आपको नाम डालना है वो डाल देंगे, तो यहाँ मैं कर देता हूँ लास्ट रिसीव ऑब्लिक। ठीक है, यहाँ पे डबल इंटेड कॉमा क्लोज कर देंगे, तो ये आपका वहाँ पे नाम ऐड हो गया। आप यहाँ पे अमाउंट चाहे मत लिखिए, अमाउंट बस इतना ही लिख दीजिए लास्ट पेमेंट के बाद, अपना अमाउंट आएगा ही और आएगा डेट भी आएगा। ठीक है, तो ये तो अपनी हेडिंग वहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब अपन ये अमाउंट को भी डिफिनेशन बना लेते हैं, जो भी अपन फील्ड यहाँ पे ऐड करके रखा हुआ है, तो यहाँ ब्रैकेट में लेंगे, फील्ड लिख देंगे, इसको पेस्ट कर देना, सेम इसका भी ऐसे ही बना लेते हैं। ठीक है, अब ये जो अमाउंट फील्ड वाला है यहाँ पे यूज इसका लिख देते हैं, यूज अमाउंट फील्ड, और यहाँ पे लिखेंगे सेट एज। तो अभी सेट एज में अपने को सीधा अमाउंट लिख देना है डॉलर के साथ। ठीक है, वो हमेशा दिखाई देता रहे, जब भी वाउचर ओपन हो तो भी दिखता रहे, उसके लिए आप सेट ऑलवेज कर सकते हैं, सेट ऑलवेज यस कर देंगे। उसका अगर अलाइन वगैरह कुछ करना है, लेफ्ट राइट रहे सेंटर में रहे, उसको अलाइन भी कर सकते हैं। वहां पे अपना कर्जर ना जाए तो आप इसको कर्जर को स्किप कर सकते हैं, यस कर। ठीक है, ये सेम चीजें अपन कॉपी करते हैं, यहाँ भी डालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अमाउंट फील्ड की जगह में अपना आ जाएगा डेट फील्ड, या तो यूनी डेट फील्ड भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब ये डेट फील्ड कौन कौन से होते हैं देखने हैं आपको, तो यहाँ पे आप कंट्रोल के साथ में क्लिक करिए, ये सभी आपके शॉर्ट डेट 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 फील्ड, तो ये सभी आ जाते हैं। आप ट्राई कर सकते हैं कि आपको कौन सा लिखने से किस तरीके की डेट वहाँ पे दिखेगी। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को डेट चाहिए, सेट एज में इधर डॉलर के साथ में डेट आ जाएगा। ठीक है, बाकी सेट ऑलवेज अलाइन लेफ्ट स्किप यस सारी चीजें आप सेम वैसे ही रहने। ठीक है, अब ये तो अपना एक नॉर्मल सा कोड हो गया, जैसा अपन सभी चीजों के लिए कोड लिखते हैं कि आपने नाम ऐड कर दिया और जो भी अमाउंट और डेट की फील्ड थी वो फील्ड अपने ऐड कर दिया। अब इसको सेव करके अगर यहाँ पे टैली में चले चेक करने के लिए, तो इसमें क्या क्या चीजें आई क्या क्या नहीं आई वो आपका चेक हो जाएगा। तो अपने को टैली ओपन कर लेना है, इधर हेल्प में जाना है, TDL एंड एड ऑन में मैनेज लोकल TDL, यहाँ पे अपनी जो भी टेक्स्ट फाइल है जो अपन डेस्कटॉप में क्रिएट, उसी को सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट फ्रॉम डेस्कटॉप, ये लास्ट पेमेंट कर इसको सिलेक्ट करेंगे, ये आपका लोडेड करके आ रहा है, TDL अपना लोड हो चुका है। अब चलते हैं इधर वाउचर के अंदर, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट रिसिप्ट पेमेंट करके आ रहा है। तो अब इसमें अपनी क्या चीजें दिखाई दे रही है आपको, ये हेडिंग दिख गया जो शॉर्ट प्रॉम्प्ट में अपन डाला था लास्ट रिसिप्ट ऑब्लिक पेमेंट करके, और उसके बाद फिर यहाँ पे एक डेट दिख रही है, जो डेट दिख रही हो तो वाउचर की डेट, इसमें अपने को लास्ट पेमेंट डेट लेके आना है और अमाउंट लेके आना है लास्ट वाला। अब ये चीजें आएगी कैसे, ठीक है, अपने को यहाँ पे एक कलेक्शन ऐड करना है, तो यहाँ पे
ब्रैकेट लेंगे, इधर लिखेंगे कलेक्ट, कॉलन चिन्ह लगाएं, कुछ भी आपको एक नाम दे देना है। ठीक है, मैंने इस तरीके से नाम दे दिया लर्नवेल लास्ट रिसीव कर। अब ये अपना वाउचर में अपने को दिखाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे टाइप, यहाँ टाइप वाउचर्स, और इधर लिख देंगे लेजर। ठीक है, अपने को लेजर के हिसाब से जो भी लेजर वहाँ पे सिलेक्टेड रहे उसके हिसाब से अपना डिटेल इधर निकल के आ जाए। यहाँ पे चाइल्ड ऑफ कर देते हैं, डबल डॉलर के साथ में लिखेंगे बेस ऑनर, कॉलन के चिन्ह लगा के यहाँ पे। अब लेजर कौन सा अपना उठाएगा, कंसाइनी वाला लेजर उठाएगा, यानी कि जो भी आपका एबीसी लेजर ये दिखा रहा है ना, जैसे यहाँ पे मैं कर्जर ले जा रहा हूँ, लिख के आ रहा है ई आई कंसाइन, तो यहाँ ई आई कंसाइनी में जो भी लेजर नेम लिखा रहे है उसका डिटेल उधर उठाए। तो यहाँ पे बेस ऑनर कर देंगे, चाइल्ड ऑफ बेस ऑनर ई आई कंसाइनी करेंगे हैश। तो ये स्पेलिंग आपको सही लिखनी है जो भी वहाँ पे दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, कलेक्शन में अपना वाउचर्स हो गया, वाउचर में अपने को लेजर चेक करना है। तो अब लेजर अपना किसका है, चाइल्ड ऑफ बेस ऑनर कौन सा रहे, ई आई कंसाइनी रहे, जो भी यहाँ पे ई आई कंसाइनी में आपका जो भी लेजर नेम लिखा रहे वही लेजर नेम यहाँ से सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, अब इसमें फिल्टर लगाते हैं, तो फिल्टर लगा देंगे, एक तो अपना वाउचर टाइप के लिए फिल्टर लग जाएगा, अपना रिसिप्ट वाउचर टाइप चेक करना है, तो यहाँ पे वी सी एच टाइप आर ई सी कर देता हूँ। यहाँ पे आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं यही नाम लिखना है। ठीक है, तो ये एक फिल्टर ये हो गया, एक फिल्टर और लगा देते हैं अपना लेजर के लिए वी सी लेजर कर देते हैं। ठीक है, तो लेजर का क्या रहेगा, वहां पे कौन सा लेजर रहेगा वो भी देखना है। अब ये जो अपना फिल्टर लगा हुआ है दोस्तों, इसको अपने को सिस्टम फार्मूले में बताना है, तो यहाँ ब्रैकेट लेंगे, यहाँ लिख देंगे सिस्टम फार्मूला, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये जो भी अपना फिल्टर का नाम है इसको अपने को इधर डाल देना है। तो जैसे अपना ये रिसिप्ट वाउचर का हो गया और ये अपना हो गया लेजर कौन, ठीक है, जो ई आई कंसाइनिंग में लिखा हुआ, कॉलन का चिन्ह लगाएंगे, डबल डॉलर के साथ में लिख देंगे इज रिसिप्ट। ठीक है, क्या वो रिसिप्ट की एंट्री रहेगी वो चेक करना है, और रिसिप्ट क्या चेक करेगा, वाउचर टाइप नेम, तो डॉलर के साथ में लिखेंगे वाउचर टाइप। ठीक है, अब यहाँ पे लेजर कौन सा चेक करे, लेजर अपना ई आई कंसाइनिंग वाला चेक करे, तो यहाँ सबसे पहले डॉलर के साथ में लिखेंगे लेजर नेम, लेजर नेम इक्वल का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पे जो बेस ऑनर ई आई कंसाइनिंग यहाँ पे अपन जो डाले थे सेम यहाँ से चेक करे करके इसको अपन पेस्ट कर, तो अपना लेजर नेम कहाँ कर रहे, बेस ऑनर ई आई कंसाइनी में जो भी लिखा रहे। ठीक है, यानी कि ये अपना जो फील्ड है ई आई कंसाइनी का है, तो यहाँ पे जो भी लेजर नेम लिखा रहे उसी का डिटेल वो निकाल। ठीक, अब इसमें एक काम और कर देते हैं, इधर डेट को सॉर्ट कराना पड़ेगा कि वो अपने को लास्ट डेट ही उठाए, तो यहाँ पे सॉर्ट करते हैं। अब इधर डबल एट द रेट के साथ में लिखेंगे डिफॉल्ट, और यहाँ पे लिख देंगे डेट। अब डेट अपने को लास्ट चाहिए नीचे वाला, तो यहाँ पे अपने को माइनस लगाना है, माइनस डॉलर के साथ डेट अपने, तो ये आ जाएगा अपना सॉर्ट करने का तरीका है कि अगर आपको प्लस में सॉर्ट करना है तो इधर माइनस नहीं लगाएंगे, तो सबसे ऊपर वाली डेट उठाएगा स्टार्टिंग। अब यहाँ पे माइनस लगा दिया तो नीचे से सॉर्ट करेगा, डेट उठाएगा। तो ये अपना कोड कंप्लीट हो गया, कलेक्शन अपन ने, अब एक्स्ट्रा इसमें क्या हुआ कि अपन ने कलेक्शन बना लिया, कलेक्शन में बता दिया अपना वाउचर्स, उसमें लेजर चेक करना है, कौन सा लेजर चेक करना है ई आई कंसाइनी का। इसमें दो फिल्टर भी लगाए, एक तो रिसिप्ट का फिल्टर लगाए कि वो रिसिप्ट वाउचर चेक करे, दूसरा फिल्टर लगाए लेजर का कि वहाँ ई आई कंसाइनी लेजर चेक कर ले, इस लेजर में जाके चेक कर ले कि उसमें रिसिप्ट वाउचर कौन सा है, उसका लास्ट डेट क्या है। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं और चलते हैं। तो मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, अगर आपके पास में रिफ्रेश टी डी एल नहीं है तो वापस से आपको टी डी एल फाइल को यहाँ जाके वापस वैसे ही टी डी एल एड ऑन में जाके इधर लोड करना है, कंट्रोल ए करेंगे सेव। अब चलते हैं इधर वाउचर के अंदर में। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी सी लेजर करके आ रहा है। अच्छा ठीक है, अभी इसमें अमाउंट वगैरह नहीं आ रहा है और डेट भी अपना करंट डेट उठा रहा है उसी के हिसाब से। तो अपन ने यहाँ पे जो सिर्फ ऐसे डेट लिख के छोड़ दिया था, सिर्फ अमाउंट लिख के छोड़ दिया था, तो अपने को बताना पड़ेगा कि इसको कि ये कलेक्शन से जाके उठाए, अमाउंट कहाँ से उठाए ये कलेक्शन में आए चेक करे, फिर यहाँ से उठाए, डेट भी अपना कलेक्शन में जाके यहाँ से चेक करके उठाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, अपने को नाम को कॉपी करना है, जो अपन कलेक्शन करके नाम डाल के रखे हैं इसको कॉपी कर लेना है, और यहाँ पे आ जाएंगे अमाउंट वाले में जैसे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को डबल डॉलर के साथ में लिखना है कलेक्शन फील्ड, कॉलन के चिन्ह लगाएंगे, अमाउंट चेक करेगा। ठीक है, यहाँ पे वन लिख देंगे, अपना पहला अमाउंट चेक कर ले, और जो अपना ये कलेक्शन का नाम है उसको अपने को इधर पेस्ट। तो अब ये सेट एज क्या हो गया कि अपना एक कलेक्शन में जाके अमाउंट चेक कर लेगा, जो भी उसका पहला अमाउंट रहेगा कौन से कलेक्शन से चेक करेगा। सेम यही चीज अपने को डेट के लिए भी कर देना है, यहाँ पे डबल डॉलर के साथ कलेक्शन फील्ड, इधर डेट अपना हो गया, फिर कॉलम चिन्ह लगाएंगे वन लिख, फिर यहाँ पे अपने को कलेक्शन का नाम जो है वो पेस्ट कर देना है। अब सेव करते हैं इसको, अब चल के एक बार चेक करते हैं इनको दोबारा इधर। हाँ ठीक है, अब देखिए, अब पार्टी नेम नहीं आ रहा है तो अपना डेट भी नहीं दिखा रही। अब यहाँ पे अपन पार्टी नेम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये बता दिया कि अपना लास्ट पेमेंट 20 तारीख को रिसीव हुआ है, 31 मार्च। अभी मैं इसमें कोई एक और रिसिप्ट की एंट्री अगर डाल दूं, कैश ले लेता हूं, पे एबीसी लेजर 10,000 डालता हूं। ठीक है, 10,000 का एंट्री मैंने 31 मार्च में डाल दी। ठीक है, इसको डेट चेंज कर देते हैं, इसको मैं 1 अप्रैल, ताकि वहां पे 1 अप्रैल 14 को सेव कर दो। अगर मैं चलूँ यहाँ पे, अभी पहले आपको अगर लेजर दिखाऊँ, एबीसी लेजर ये मैं ओपन कर। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इसमें एंट्रीज पड़ी हुई हैं, लास्ट एंट्री अपनी 10,000। अगर मैं ये वाला वाउचर ओपन करूँ, नंबर वाला, तो यहाँ पे आप
इधर भी देख सकते हैं लास्ट पेमेंट रिसीव अपना हुआ है 10,000 का 1 अप्रैल 14। तो जो भी लास्ट डेट रहेगी वो इसको सर्च कर लेगा। अब भले ही ये वाला इनवॉइस खोलेंगे तो भी उसमें लास्ट का डेट दिखाई देते रहे। आप नई इनवॉइस किसी भी डेट में एंट्री करने जाएंगे लास्ट उसका पेमेंट वहाँ पे दिखाई। अगर मैं ABC सिलेक्ट करूँ, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका डेट। तो आप जिस भी डेट में एंट्री करेंगे आपका जो भी लास्ट अमाउंट रिसीव हुआ होगा, जिस डेट में रिसीव हुआ होगा, वो चीज़ आपको यहाँ पे दिख, आपने लास्ट पेमेंट अमाउंट उसका डेट वगैरह जो भी है वो ऐड करने के लिए कोड लिख लिया। अब अगर आप चाहते हैं कि आप जैसे ही सेल्स वाउचर सेव करें रिसिप्ट वाउचर ऑटोमेटिक ओपन हो जाए, तो उसके लिए क्या करना है अपने को, एक उसके लिए अपने को यहाँ पे 2-3 लाइन और थोड़ा सा कोड बढ़ा दें। तो अब यहाँ पे अपने को लिखना है ब्रैकेट में हैश के साथ में फॉर सेल्स कलर, ठीक है, सेल्स कलर अपना वही सेल्स वाउचर का है, ठीक है। यहाँ पे आप को जो भी परचेज कलर लिखेंगे परचेज वाउचर करेंगे। अब यहाँ पे अपने को ऑन फॉर्म एक्सेप्ट कॉलन लगाते जाना है, ऑन फॉर्म एक्सेप्ट। अब वो सेल्स का है कि नहीं है वो भी आप चाहें तो यहीं पे लिख सकते, ठीक है। तो डबल एट द रेट के साथ में इज सेल्स लिख देने से काम अपना हो जाएगा। कॉल, ठीक है, अभी अपने कॉल क्या कराना है, यहाँ पे आप कुछ भी एक नाम दे, लर्नवेल रिसीव कर नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब ये वाला जो अपन कॉल करा रहे हैं दोस्तों, ये फंक्शन है अपना, इसको अपने को कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे ब्रैकेट में फंक्शन, इसको पेस्ट कर देना है, ब्रैकेट क्लोज करें, ठीक है। फंक्शन अपना, ठीक है, यहाँ पे एक वेरिएबल डाल देते हैं वाउचर टाइप, ठीक है। अब इधर 0, 1 या 10 भी लिख सकते हैं, इस तरीके से अपना फंक्शन लिखा जाता है। इसको सेट करते हैं, यहाँ पे सेट क्या करेंगे SV वाउचर टाइप को, ठीक है। SV वाउचर टाइप अपना रिसिप्ट होना चाहिए, इधर डबल डॉलर के साथ में लिख देंगे VCH टाइप रिसिप्ट कर, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे क्या होना चाहिए, क्रिएट काउंटिंग वाउचर, मतलब जैसे ही आप इसको सेल्स को एक्सेप्ट कराएं तो ऑटोमेटिक अपना वाउचर टाइप रिसिप्ट ओपन हो जाए, अकाउंटिंग वाउचर क्रिएट करने, ठीक है। 03 में रिटर्न कर देंगे, बस हो गया। तो ये आपका कोई सा भी वाउचर ओपन कर सकते हैं, बस आपको यहाँ पे नाम देना रहेगा। यहाँ रिसिप्ट की जगह आप परचेज लिखेंगे, क्रेडिट नोट लिखेंगे, क्रेडिट नोट ओपन। अब चलते हैं इसको सेव करते, एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। अब मैं चल के एक इधर सेल्स वाउचर क्रिएट करता हूँ, ठीक है, इसको सेव करता हूँ। मुझे ईवे बिल अभी नहीं जनरेट करना, नो कर देता हूँ। क्यूआर कोड भी नहीं बनाना, नो कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैंने सारा प्रोसेस कंप्लीट किया, अब आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे अपना रिसिप्ट जो है वो ओपन होके आ चुका है। तो दोस्तों ये बहुत ही छोटी सी नॉर्मल सी कोडिंग थी, इसको आप जरूर बनाइए, काफी बढ़िया चीज है। और वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं ऐसी चीजें आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।